नमस्कार प्रिय बच्चों, हम कामचोर कहानी पढ़ रहे हैं और कहानी में जो स्थितियाँ बनी हुई हैं उनसे हमें जो है एकाएक हंसी भी आती है और सोचने को भी विवश होना पड़ता है कि जब परिश्रम करने की आदत बच्चों को नहीं डाली जाती है तो किस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। करना क्या चाह रहे हैं, क्या कार्य होना चाहिए, उसकी जगह क्या होता चला जा रहा है, या कहूँ कि कार्य जो है वो बिगड़ता ही चला जा रहा है। हमने देखा कि मुर्गियों को दड़बे में बंद करने का प्रयास बच्चे कर रहे हैं और इस क्रम में जब वे मुर्गियों को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो दो मुर्गियां जो है वहां से निकल करके और खीर के डोंगों पे कूद पड़ती है। खीर सारी दीदी के सर के ऊपर और उनके दुपट्टे पर, और उसके बाद वो मुर्गियाँ अम्मा के पानदान में कूद पड़ती है, कत्थे में अपने पंजे सांध करके और दुपट्टे के ऊपर छापे मारते हुए निकल जाती है। अब आगे देखते हैं। देखिए, एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेज़ी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। देखिए, दो मुर्गियों ने उधर एक हंगामा खड़ा किया और एक मुर्गी यहाँ पे दाल की पतीली में छपाक मार करके सीधी उस नाले में जा करके गिरी, जहाँ नाले के पास बैठ करके जो उनकी मौसी है वो अपने हाथ पैर मुँह धो रही है और सारा कीचड़ जो था वो मौसी के मुंह पर जा लगा। और इस तरह से मुर्गियों की हालत ऐसी थी जैसे कि बिना नकेल का ऊँट, जो कि किसी के नियंत्रण में ही नहीं रहता। मुर्गियाँ भी इस प्रकार से अनियंत्रित हो गई हैं। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी, क्योंकि उनको जिस तरह से वो दड़बे में डालने का प्रयास कर रहे थे वो बिल्कुल गलत तरीका था। उन्हें पता ही नहीं कि उनको पकड़ करके दड़बे में कैसे बंद करना है। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। भाई, एक काम तो उनसे पूरा हुआ ही नहीं कि वे मुर्गियों को ले जाके दड़बे में बंद करते, अब उनके दिमाग में फिर से एक नया जो है उत्पात आ जाता है। वो सोचते हैं कि चलो ये कार्य ऐसे ही, जो भेड़े हैं उनको क्यों ना दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़े दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया, लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ चढ़ गई। भेड़े भूखी हैं दिन भर की और बच्चों ने उनको दाना खिलाने के लिए सूप को लेकर के उधर जाते हैं तो भेड़े जो है, एक दो भेड़े जब सूप के पीछे लगी तो कहने में ही भेड़ चाल कि जो एक काम कर रहा है वही जो है सब उसके पीछे हो ले, तो उसी भेड़ चाल को चरितार्थ करते हुए सारी भेड़े जो हैं वो पलंग के को फलांग कर बर्तनों को लुढ़काती हुई सूप के पीछे भाग पड़ी। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दादी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मेघनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। लेकिन भेड़े तो जानवर हैं और जो स्थिति वहाँ बनी हुई है उसमें तो स्थिति और भी ख़राब है। भेड़े जो हैं वो क्या कर रही हैं कि दीदी जो कि दुपट्टा फैलाकर उस पर कुछ काम कर रही हैं और अपनी बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही हैं, लेकिन भेड़ें इसी दौरान वहाँ से निकलती है और सब कुछ बिगाड़ती, फलांगती, उछलती कूदती निकल जाती है। सब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मार कर गुजर गई। मतलब जब भेड़ें वहाँ से निकल गई तो इतना सब कुछ तहस नहस हो गया कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। तो लेखक को लग रहा है कि स्थिति ऐसी थी जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना जो है टैंकों और बम्बारों के साथ उधर से छापा मार करके गुजर गई हो, मतलब चारों तरफ विध्वंस। सब तूफान गुजर चुका तो हमने देखा कि स्थिति कैसी हो गई। जहां जहां से सूप गुजरा भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूखती हुई हमला करती गई, मतलब जहाँ जहाँ से बच्चे सूप को लेकर के, अनाज के सूप को लेकर निकले, भेड़े उनके पीछे भागती गई और इस भागने के क्रम में न जाने क्या क्या चीज़ें जो है टूटी फूटी। हज्जन माँ
एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़े दौड़ी तो न जाने वह सपनों के किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। भेड़े जो हैं हज्जन माँ के ऊपर से भी कूदते फांदते निकल गई। बेचारी सुकून से सो रही थी, लग रहा था कि कोई अच्छे सपने देख रही हैं, लेकिन सारे सपने भेड़ों ने तोड़ फोड़ मचा दिए और वो मारो मारो करके चीखने लगी। ऐसा होता भी है जब हम सुकून की नींद में सो रहे हों और हमारे साथ कुछ ऐसा अनायास घटित हो जाए तो हम चौंक पड़ते हैं। यही स्थिति हज्जन माँ की भी हुई। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाले की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझ कर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। देखिए, भेड़े तो जानवर ठहरी, सूप का अनाज उन्हें अगर नहीं मिला तो उन्होंने जो मटर की फलियां, जो मालिन जो कि दालान में बैठ करके तोल करके रसोइये को दे रही थी, उसके टोकरे पर टूट पड़ी भेड़े। और चाहे जितना मालिन ने उनको भगाने का प्रयास किया तो भेड़ों के शरीर पर जो ऊन होती है मोटी, तो डंडे से जो मार रही है तो वो ऊन पर ही जा कर के लग रही है, लेकिन भीड़ को चोट नहीं पहुंच रही और उसको तो ये मजाक लग रहा है, तो वो और अधिक प्रोत्साहित हो रही हैं। तो इस तरह से वो सारी मटर की फलियां भी जो हैं भेड़े खा जाती हैं और इतना अधिक नुकसान हो जाता है। धन्यवाद।